गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 21 मई 2021 फ्राइडे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने ऑनलाइन क्लास की। तो सबसे पहला हर दिन की तरह हमारा है वर्ड्स ऑफ द डे। और वर्ड्स ऑफ द डे में हम लोग जैसा कि जानते हैं रोज़ हम 5 ऐसे वर्ड मीनिंग्स को लेकर के चलते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ आता है। वैसे तो वर्ड मीनिंग्स की कोई सीमा नहीं है, वो आपके ढेर सारे बुक्स में ढेर सारे वर्ड्स होते हैं, उनके अलावा ये जनरल लाइफ में आपको काम आने वाले होते हैं, इनको जानना चाहिए। इसमें यदि चूंकि आप सबको वैसे तो पहले से जुड़े हुए हैं, जो एक दो लोग नए जुड़ते रहते हैं उन सब के लिए बता दूं कि हमारे वर्ड मीनिंग सेक्शन में यदि एक स्टार हो मीन्स याद कर लीजिए, कहीं पर 2 स्टार हो मीन्स ज़रूर याद कर लीजिए, और 3 स्टार हो तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे, बहुत सारे टीचर्स भी, इवन कि सम टीचर्स ऑफ इंग्लिश भी, या तो उसके उच्चारण या मीनिंग को नहीं जानते हैं या उसकी इंग्लिश नहीं जानते। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज का है टॉस, है ना। टॉस का मतलब क्या होता है? तो आप देखते होंगे मैच वगैरह में भी टॉस होता है ना, तो वहाँ पर टॉस कौन सा होता है? करवटे बदलना, है ना, सिक्के को हम टॉस कर देते हैं, है ना। तो बाकी वैसे हिलाना भी होगा, ऐसे भी कहते हैं ना, उसको हवा में टॉस कर दिया, है ना, किसी व्यक्ति को भी कुछ या कोई सामान को ज़ोर से मारा तो वो हिला दिया, उसको उड़ा दिया कह लीजिए एक तरह से। एक और वर्ड है, हालांकि इसमें कोई स्टार इसमें भी नहीं है, ओवरसीयर। ये ओवरसीयर क्या होता है? ये बहुत कम लोगों को पता है। अब तो ये पोस्ट न के बराबर सुनाई देता है, बिजली विभाग और इस प्रकार से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वगैरह में ओवरसीयर होते हैं। वैसे नॉर्मली इसको निरीक्षक या सर्वेक्षक कहेंगे, बाकी यदि निरीक्षक का एग्जैक्ट अलग से देखेंगे तो इंस्पेक्टर होता है, सर्वेक्षक का सर्वेयर होता है, बट उसी टाइप का ये बिजली विभाग में ओवरसीयर एक पोस्ट ही होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस मीन्स होता है शोक संवेदना, है ना, शोक संवेदना। ये आजकल आप देखते होंगे इस कोरोना काल में प्रतिदिन बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, तो उसमें लोग RIP लिखते हैं, हालांकि उसका मीनिंग भी मैं लिखवा चुका हूँ, रेस्ट इन पीस होता है, है ना। तो एक वो होता है, और वो प्रधानमंत्री वगैरह खासकर नरेंद्र मोदी जी यदि अपना मैसेज लिखते हैं तो शोक संदेश देते हैं उसमें, तो लिखते हैं कॉन्डोलेंस टू मिस्टर ये जो भी है ना, या और उसके परिवार के साथ भी हमारी जो है सो शुभकामनाएँ वगैरह जो है सो है। तो कॉन्डोलेंस शब्द का है ना, कॉन्डोलेंस शब्द यही होता है, कॉन्डोलेंस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये 3 स्टार के साथ है, चैरिटी बॉक्स, है ना, दान पात्र की एक्चुअली ये इंग्लिश है, है ना, चैरिटी बॉक्स। बहुत कम लोग जानते हैं इसको, दान पात्र की इंग्लिश, इसलिए इसमें मैंने 3 स्टार लगाया है। बाकी अगला जो वर्ड है वो सब आप सब इससे परिचित होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं खास करके जो हमारे 11 के स्टूडेंट हैं वो विशेष रूप से रट ले, ये है मोल। मोल मीन्स, चूँकि इसके 3 मीनिंग है, वैसे तो 4-5 मीनिंग और भी होते हैं, बट मेन यही है, छछुंदर या छछुंदर जो भी कह लीजिए, ये जो चूहे के डिज़ाइन का होता है आप सब लोग परिचित होंगे, तो इसको मोल ही कहते हैं। टेंस में मैं बनवाऊंगा, है ना, छब्बू के छप्पर पे 6 छछुंदर 6 दिन से छुछू आ रहे थे, तो वहाँ छछुंदर का आपको याद रखना है। वो जो बनवाता हूँ टेंस के साथ ही, टेंस अब होने ही वाला है शुरू कुछ ही दिनों में, पहले वर्ब हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद टेंस ही शुरू होगा, आज से वर्ब शुरू हुआ है तो टेंस भी शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम ऐसे टेंसेज ऐसे सेंटेंसेज देते हैं, और इनको आप सबसे खुद बनवाते हैं और आप बनाने में एबल होते हैं, तो वर्ड मीनिंग्स लेकिन आपको याद रखना चाहिए। तो एक मीनिंग, दूसरा बहुत ही VVI मीनिंग है, वो है तिल या मस्सा। क्योंकि आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको ये वर्ड आता है ना, जैसे बाएं गाल पर तिल का निशान या अंगूठे पर तिल का निशान, तो तिल के लिए यही जो है आपको MOLE मोल होता है, सेम स्पेलिंग इसका भी होता है। और तीसरा मोल जो होता है, वो जो साइंस हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, मोल कंसेप्ट है ना, मोल सिद्धांत होता है, केमिस्ट्री में होता है, इसके बारे में तो डिटेल आपके केमिस्ट्री वाले टीचर ही बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा है एडजेक्टिव्स का होमवर्क, जैसा कि आपको मिल गया होगा, तो इसमें अभी तो चल ही रहा है, पिछले 2 दिनों से चल रहा है, तो इसमें मतलब पिछले दिन भी हुआ था, आज भी, एनसर्किल ऑल द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस, है ना, तो सारे एडजेक्टिव्स को छांटना। हालांकि इसमें काइंड्स बताने के लिए नहीं कह रहा, बट यदि आप लोग ये बना लें तो बेटर रहेगा, मैं भी मिलाने के लिए सबके काइंड्स को भी बोल देता हूँ। चलिए तो पहला में हो जाएगा नो, क्योंकि पेंस ये नाउन है इसके पहले, और ये नो जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, गिनती वाले चीज़ों के पहले है। सेकेंड में आपको जो हो जाएगा मेनी हो जाएगा, और ये मेनी भी जो है वो आपको इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद फ्रेंड्स जो है वो गिनने वाला चीज़ है, तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। फिर आइए द किंग हैड फ्यू हॉर्सेज, है ना, यहाँ पर आपको फ्यू हो जाएगा क्योंकि जो है हॉर्सेज जो है वो आपको काउंटेबल है, तो इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चलिए वैसे उसमें एनसर्किल कह रहा है, लेकिन आपने देखा होगा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, खैर मैं बोल तो दे ही रहा हूँ तो आप मिलाते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है
यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, इसमें एनी हो जाएगा, चलिए मैं सर्किल ही कर देता हूँ, एनी हो जाएगा, और क्वेश्चन चूँकि गिनने वाला चीज़ है इसलिए एनी आपको जो है वो एनी को आपको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग ले लेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एनी ईच एवरी है ना, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाता है। उसके बाद आपको फाइव नंबर में ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, आप सब पढ़ चुके हैं इसको, है ना। और फिर इसमें एक और भी है और वो है टू, ठीक है, टू ये गिनती कर सकते हैं रिंग्स को, इसलिए ये आपको यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ क्यों हो जाएगा, तो फोर्थ के बारे में आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ वन से फर्स्ट से टू से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसा जितना भी इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ये तो होगा ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके अलावा आपको टॉल भी है, टॉल जो है गुण है, लंबा छोटा मोटा पतला काला घोड़ा, ये सब जो है गुण अवगुण का आकार प्रकार रंग रूप का होता है बहुत, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फिर अगला रिच है ना, अमीर गरीब ये सब भी जो है, रिच भी जो है वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और इसके अलावा आपको ए लॉट ऑफ भी होगा, ए लॉट ऑफ कार्स, कार्स चूँकि गिनने वाली चीज़ है इसलिए ए लॉट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। फिर आपका अगला फ्यू होगा, इसके बाद गिनने वाला है डॉग्स, इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जबकि वाटर के पहले जो ये कोल्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी हो जाएगा, है ना, यानी मात्रावाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि वाटर जो है वो गिनने वाला चीज़ नहीं है, अनकाउंटेबल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नाइन में हम लोग आएंगे, नाइन में मेनी हो जाएगा, मेनी आपको हो जाएगा क्या, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि इसके बाद गिनने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मच भी हो जाएगा, ठीक है, मच यहाँ पर हो जाएगा आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि इसके बाद नॉलेज गिनने वाला नहीं है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर नो नहीं होगा, नो एडजेक्टिव नहीं होगा, मीन्स कहिएगा नो तो होता है एडजेक्टिव, हाँ होता है, मैंने कहा ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, है ना, हमने पढ़ाया है आपको ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के सारे शब्द हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू एट ग्रुप्स, उनको आठ भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, है ना, उनके काम के अनुसार जो वो एक वाक्य में करते हैं, है ना, काम के अनुसार, ऐसा नहीं एक ही वर्ड को, कहीं यदि नाउन का काम कर रहा है तो वो नाउन है, कहीं वर्ब का कर रहा है तो वर्ब है, जैसे मिल्क जो है आप नाउन जानते होंगे मटेरियल नाउन, लेकिन मिल्क वर्ब भी है, जैसे आई मिल्क द काउ एवरी डे, मैं प्रतिदिन गाय दूता हूँ, तो मिल्क माने दूध दूना भी होता है, इसी प्रकार वाटर मीन्स पानी भी, वाटर मीन्स पानी पटाना भी, तो यहाँ पर नो एडवर्ब का काम करेगा, वर्ब के बाद टेंस, उसके बाद एडवर्ब ही हम लोग पढ़ेंगे, या वर्ब के बाद एडवर्ब तब टेंस, तो उसमें हम लोग जान जाएंगे। चलिए आगे है, द नॉटी बॉय हैड फ्यू, है ना फ्रेंड्स, इसमें नॉटी हो जाएगा आपको, ये गुणवाचक है, बदमाश होना, है ना, और इसके बाद फ्यू हो जाएगा आपको, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, ठीक है, क्योंकि इससे गिनती का बोध हो रहा है, फ्रेंड्स आगे गिनने वाला है। थोड़ा बहुत साउंड में आपको अभी बारिश हो रही है, इसलिए जो है इसी समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा नॉइज आपको होगा, खैर एनीवे चलते हैं आगे। आगे हमारा कल एडजेक्टिव खत्म हो गया था, तो इसे क्या पढ़ना है, तो आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे स्क्रीन पर कि हमने पहले लिखा है वर्ब फॉर्म्स और फिर उसके बाद लिख दिया है वर्ब्स, ऐसा इसलिए कि वर्ब फॉर्म्स हमने दिया है आपको हमारा सिलेबस, चलिए पहले ज़रा सिलेबस को दिखा देता हूँ, जो लोग अभी मेरा ऑफलाइन क्लास नहीं किए हैं तो ऑफलाइन में तो मैंने बोर्ड पर लगा ही दिया हुआ है, जो लोग ऑफलाइन नहीं किए हैं वो जान लें हमारा जनरल सिलेबस क्या है, है ना, तो जनरल सिलेबस जैसा कि आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर स्पेलिंग रूल्स ये पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल्स पढ़ा चुका हूँ, सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ, इंटरजेक्शन पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन टैग्स पढ़ा चुका हूँ, नाउन नाउन में नंबर और जेंडर के साथ पढ़ा चुका हूँ, प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, एडजेक्टिव हो गया, आज ये वर्ब फॉर्म, तो एक्चुअली क्या है कि वर्ब फॉर्म में कुछ पढ़ाने वाली बातें नहीं, ये आपको रटना है, आप किसी भी बुक से रट सकते हैं, वो जूनियर ग्रामर से, जूनियर ट्रांसलेशन से, या करेंट ट्रांसलेशन से, करेंट ग्रामर से, कहीं से भी आप उसको रट सकते हैं, वो रटना चाहिए क्योंकि आपको इंग्लिश के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, जितना अधिक से अधिक हो सके रटिए। वैसे मैं भी PDF आपको भेज दे रहा हूँ, तो PDF में मैंने जो है जो आपके ये जूनियर और करेंट ग्रामर से मैं जितने से काम आपके हो जाएंगे जनरल लेवल के 12 तक के उतना का मैं भेज रहा हूँ, 4 पेज का PDF है, उससे आप लोग रट ले, उसमें मैंने उच्चारण सहित कर दिया है क्योंकि बुक्स में सबके उच्चारण नहीं है। चलिए तो इसीलिए इसके बाद मैं आज वर्ब शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, वर्ब के बाद वैसे टेंस दिया हुआ है, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस एडवर्ब है, तो यही मेरा जनरल सिलेबस है जो मैं साल भर में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और भी आगे चलते हैं, और
प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ टू हो गया, मॉडल्स हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें थोड़ा डबल स्टार लगा हुआ है। एक्चुअली और सब तो सबको पढ़ाना, जिसमें स्टार लगे हुए हैं, जैसे अगले में फ्रेजल वर्ब में आप स्टार देख रहे हैं, इसमें एक है तो नीचे लिखा हुआ एक स्टार वाला स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड है, दो स्टार वाला स्पेशली फॉर CBSE है। बाकी जो जनरल सिलेबस है वो सबके सबको पढ़ने, उसमें कोई खास नहीं है। जैसे इससे पहले मॉडल्स था वो सबको पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको पढ़ने हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सबको पढ़ने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस सबको पढ़ने हैं, कंजंक्शन सबको पढ़ना है, क्लॉज सबको पढ़ना है। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे तो सेंटेंस जो है वो सबको पढ़ना है ना, सेंटेंस भी आपको सभी लोगों को पढ़ना है। सेंटेंस तो हालांकि हमारा दो बार ऊपर भी सेंटेंस था, लेकिन ऊपर वाला था दूसरा सेंटेंस और ये सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें वो फाइव काइंड्स के सेंटेंस थे। फिर सिंथेसिस पढ़ना है, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पढ़ना है, फिर एसे राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए है, फिर प्रेसी राइटिंग ये अभी जो है स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ही है। इसके अलावा आप सबको पता होगा हमारे यहाँ पर डे जो है ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस कराए जाते हैं, इसके अलावा ग्रामर के भी है, गेस्ट पेपर दिए जाते हैं। चलिए तो आज से वर्ब शुरू करना है, तो उस वर्ब पर ये मैंने सिलेबस दिखा दिया कि भाई हमारा इसके बाद ये था, वर्ब फॉर्म में हमें कुछ नहीं पढ़ाना था, तो इसलिए हम लोग वर्ब से शुरू करेंगे। वर्ब का एक बात और बता दूँ, बहुत ही हमारा इससे रिलेटेड एक रियल डेफिनेशन ऑफ वर्ब है, जिसका मैं ऊपर लिंक दे दूँगा आई बटन में। मेरा दूसरा चैनल जो PK मंत्रा इंग्लिश क्लासेज है उस पर है, बहुत वो टॉप वीडियोज़ में है लगभग, मुझे अभी तो मैंने इधर नहीं देखा है, कुछ दिन पहले तक देखा था, 25-30 हज़ार व्यूज़ उस पे थे। तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देख लें, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया, बात वही है हालांकि, है ना, आप नहीं भी देख सकते वैसे देख लें, क्योंकि 25-30 हज़ार लोगों का प्यार मिला उस वीडियो को, तो आप सब भी उसको देख लें, बाकी मैं अलग से भी उसको भेज दे रहा हूँ। चलिए तो अगला है कि वर्ब की पहले डेफिनीशन, देखिए वर्ब की डेफिनीशन को ध्यान से पढ़ना, क्यों ऐसा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग बचपन से अधूरी बहुत सारे चीज़ों का मैं बताता हूँ अधूरी परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, सेंटेंस की परिभाषा हो चाहे वर्ब की परिभाषा हो चाहे सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट हम लोग पढ़े हैं उसकी भी जनरली है, कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे है जो कार्य करे, अरे भैया बनेगा ही नहीं इस पे। इसी प्रकार वर्ब किसे कहते हैं, तो जिसे किसी कार्य के होने या करने का बोधो, ना जी बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश वाले जो लोग पढ़े हैं वो पढ़ते हैं ऐसे, वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, बस यहीं पर फुल स्टॉप हो जाते हैं, ना जी यहाँ पर मैंने कॉमा दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने दिया, जनरल बुक्स में भी ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर में भी ये डेफिनेशन है, बट इस पर गौर नहीं करते और बच्चों को ये बताया नहीं जाता। पहला क्या है कि ठीक है गुड एक्शन दिखाता है, कार्य करने होने का बोध होता है, लेकिन इसके साथ साथ पोजीशन या रिलेशन इसको एक साथ ही मान लीजिए, और स्टेट ऑफ बींग भी दिखाता है यानी अवस्था भी दिखलाता है। ठीक है, क्या है ये परिवार, चलिए हम पहले इसके एग्जाम्पल पर आ ही जाते हैं। तीन चीज़ों का मैंने कहा क्या, एक्शन ही प्लेज, तो ये ऐसा वाला, वह खेलता है, हंसता है, रोता है, गाता है, लिखता है, ये एक्शन का बोध तो हुआ ही हुआ। इसके अलावा आप देख लीजिए ही है जे कार, इसमें हैज के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इससे क्या है कि ही है जे कार यानी उसके पोजेशन में, उसके अधिकार में कोई कार है, उसके रिलेशन में, मतलब उसका है तो उसी का उसी से रिलेटेड हुआ ना, रिलेशन का मतलब संबंध ही केवल नहीं, मेरा पेन है तो मैं इससे रिलेटेड, ये मेरे से रिलेटेड है, या अभी हो गया आई हैव ए पेन इस तरह से। इसके अलावा ही इज टॉल, इसमें क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बींग बतला रहा है यानी अवस्था बतला रहा है, वो कैसा है, टॉल है, तो ये सारे वर्ब हम सिर्फ समझ लेते हैं काम के होने एनर्जी नहीं, वो तो प्रिंसिपल वर्ब फिर होते हैं, वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे उसको, समझ गए। फिर से चलिए वापस चलते हैं उस डेफिनेशन पे, क्या है कि ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पहला है ना, उसके अलावा पोजेशन या रिलेशन, और फिर स्टेट ऑफ बींग, ये तीनों चीज़ दिखाई है ना। दूसरी भाषा में कहे तो ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन, किसी सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, हालांकि यहाँ पर एक मिस्टेक है, और थिंग भी हो जाएगा, है ना, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में, नहीं समझे, सब्जेक्ट जो उसी के बारे में कुछ बताएगा ना। अब यहाँ पर क्या देख रहा है, ही प्लेज, वो प्लेज कौन कर रहा है, वह ही कार किसके पास है, हैज तो ही के पास है ना, टॉल कौन है तो ही, उसके बारे में कुछ बतला रहा है, अर्थात वर्ब जो है वह वर्ड है जो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, वस्तु भी कोई कार्य करने, एक या उसके अधिकार या संबंध में कुछ होने या फिर उसकी अवस्था को बतलाया जाता है। तो ये तीन चीज़ों को मिला करके ये रियल डेफिनेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपको वर्ब्स जो हैव बीन डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स या क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कोई पूछे सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, तो अभी जैसा कि मैंने अभी सिलेबस में बताया, आप बोल देंगे कि फाइव होते हैं, है ना, assertive सेंटेंस, interrogative सेंटेंस, imperative सेंटेंस, exclamatory सेंटेंस, optative सेंटेंस, ना जी, पूछना होगा सवाल या फिर आपको खुद से जवाब में ऐड करना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ
है ना, यूजेज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज जो है वो पाँच है, फिर जो है फॉर्मेशन के आधार पे तीन है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, है ना। उसी प्रकार से इसमें जो है अभी और प्रकार से हम पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव पढ़ना है, और भी पढ़ना है, मॉडल एक्सिलरी सिंपल। तो ये सिर्फ ये ध्यान रखिए कि यूजेज के बेसिस पर मैंने अंडर किया है ना, दो ग्रुप्स में है, मतलब उसके उपयोग के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है। कौन कौन है तो प्रिंसिपल, इसी का नाम है, एक याद रखिएगा, प्रिंसिपल वर्ब सबको याद रहता है, लेकिन पूछ दे कि भाई लेक्सिकल वर्ब क्या होता है तो जवाब नहीं दे पा, इसी को कहते हैं। बट ये कि नाम नहीं याद रहता, कोई पूछ दिया लेक्सिकल वर्ब कंपटीशन वगैरह में, सोचते अरे ये क्या, इसी का नाम फुल वर्ब भी होता है, हिंदी में कहते हैं प्रधान क्रिया है, ठीक है। मेन वर्ब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि मेन वर्ब अलग होता है, वो मैं पढ़ाऊँगा, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया अलग है, ये प्रधान क्रिया है। अब मुख्य प्रधान कहिएगा एक सा होता है, होता है जी, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में फिर कैसे डिफरेंस हो जाता है, उसी प्रकार से ये। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हो, कल हम लोग यही पढ़ेंगे, दोनों के डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बट यही मैं चाहूँगा कि आप लोग नाम याद रखें इसके, कि ये भी होते हैं। चलिए तो अगला अब हमारा, जैसा कि आपने देखा होगा मैंने होमवर्क में भेज दिया था 11th के लिए, जो है ये पोएम है हमारा, तो इसका हम लोग आज वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर जो है, सॉरी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर नहीं है ये तो, चलिए पोएम का नाम मैं भी भूल गया हूँ और यहाँ पर नहीं है, तो ये वो पोएम का वीडियो मैं जो है वो आपको लिंक में भेज दिया हूँ, आई बटन में भी है, तो वहाँ से आप देख लेंगे। बट मैं इसको यहाँ, जैसा कि आप सबको पता है हर दिन की तरह मैं इसको, हाँ, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इस पोएम का नाम यही है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, है ना, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है, यही इसका नाम है, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर आप सबको पता है कि इसकी रीडिंग करवाएंगे, और बाकी जो है इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऑलरेडी हमारे दूसरे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस का वीडियो है, जो कि आई बटन में है, और आप लोगों के ग्रुप में भी भेज दिया गया। चलिए बढ़ते हैं, तो इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। कहता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। देखिए इस पोएम बड़ा टेरा है, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को इसकी मीनिंग अच्छे से नहीं आती है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेंगे फिर से। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स अमिड impediments, love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark whose worth is unknown, although इसको ध्यान रखेंगे, although his height be taken. Loves यानी love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. और साथ में उन्होंने कहा है क्या कि if this be error, है ना, if this be error, है ना, upon me proved, I never writ nor no man ever loved. तो इस प्रकार से, वैसे आपकी सुविधा के लिए आप सबको पता है मैं वर्ड मीनिंग्स इसमें देता हूँ, तो ये वर्ड मीनिंग से आपको इसमें उच्चारण, हिंदी मीनिंग भी, हिंदी का मीनिंग तो रहता है, उच्चारण भी रहता है, जिससे आपको पढ़ने में भी सुविधा हो, समझने में भी सुविधा हो। मैं तो इसको एक्सप्लेन करूँगा ही। एक चीज़ दिया हुआ है कपलेट, ये बहुत कम लोग जानते होंगे, ज़रा सा इसको ध्यान में रखेंगे। कपलेट जो होता है क्या होता है, हिंदी तो इसका मैं वर्ड मीनिंग में लिखवाता हूँ, दोहा कपलेट, है ना, स्टेंजा ऑफ टू लाइन्स, स्टांजा समझते हैं ना, एक जगह स्टांजा क्या होता है, एक जगह, वैसे तो उस वीडियो में मैंने बता दिया, एक जगह जो पोएम में लाइन्स होते हैं इसको स्टांजा कहते हैं, यदि दो लाइन की है तो दोहा है, चार लाइन की है तो चौपाई हिंदी में, बट यहाँ पर दो लाइन की है तो कपलेट, चार लाइन की है तो क्वाट्रेंस, है ना, और इस तरह से करके मैंने लिख दिया है कि जब वह जो है वो आपको सिक्स लाइन्स की हो तो सेस्टेट है ना, ऑक्टेव जो है वो एट लाइन्स, एक जगह एक स्टांजा में हो। तो इस प्रकार से हमारा आज का एक क्लास समाप्त होता है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।